is no purpose. Somebody कोई dragged me. कोई खींच के लाया आपको. But if you are saying, लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, today I'm going. आज मैं जा रहा हूँ. I have to receive something from God. मुझे कुछ तो परमेश्वर से ग्रहण करना ही है. My husband has to be touched today. मेरे पति को छू लिया जाना चाहिए. My daughter has to be touched today. मेरी बेटी को छू लिया जाना चाहिए. When brother Joel will play, I have to reach out to God and touch the hem of his garment. I tell you, you will receive from the Lord. भाई जोएल गाना गाते हुए बजाएंगे तब मुझे परमेश्वर के वस्त्र आज को छू लेना और मैं कहना चाहता आप जरूर ग्रहण करेंगे. Hallelujah. बोले हालेलुया. I was in Chandrapur. भाई चंद्रपुर में थे. There was this lady with a tumor. वहां पर एक महिला आई थी जैसे गांठ थी. Listen to me. सुनिए. Such a big thing in her. और अंदर एक बहुत बड़ी गांठ. And the last day I was ministering. और आखिरी दिन जब भाई सेवा टेल कर रहे थे. And she said, Pastor Sam. और उन्हें कहा पास्टर जी. जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करत होते माझ्या पोटामध्ये काय फिरून असं काय निघून गेलं आता माझं पोट जे आहे ती गांठ पूरी संपूर्ण निघून गेली. उन्होंने कहा जब आप सेवा कर रहे थे तो मेरे पेट में कुछ ऐसा हलचल होने लगा और वो गांठ जो है गायब हो गई है. The volunteers. और वॉलंटियर लोग. You know, I am a little, you know, like Thomas. Because, you know, we are close to Kerala, you know. Thomas, somebody said, who Thomas? Not in my society. अरे कौन सा थॉमस हमारे सोसाइटी में तो कोई नहीं रहता. They started pressing her. वो दबाने लगे वॉलंटियर लोग. इसे खरच नहीं है गांठ. फिर वो कहने लगे सचमुच गांठ नहीं है. They brought her neighbor. उनके पड़ोसी को लाए. And the neighbor said. और पड़ोसी ने कहा. She had a tumor. इसे एक गांठ थी. It is not there, sir. लेकिन अब वो गांठ नहीं रही. Wait. I didn't touch her. भाई ने नहीं छुआ था उनको. She was a woman with purpose. वो एक महिला थी जिसके पास एक मकसद था. Can you live your life with purpose? क्या आप अपनी जिंदगी मकसद के साथ जिएंगे? Lift your hand and say, Holy Spirit. अपने हाथों पर उठाकर बोलिए पवित्र आत्मा. I want to live my life with purpose. मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ मकसद के साथ. With meaning. एक अर्थ के साथ. How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं? What is the meaning? How ये अर्थ क्या होता है? Jesus. He lived his life with purpose. देखिए यीशु ने अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जिया. The second one. दूसरी बात. How is it applicable today? और कैसे ये लागूदार है आज? What does it mean? It is finished. It means Jesus lived a life of focus. Everyone say focus. ये लागूदार है कैसे? यीशु मसीह ने अपना जिंदगी जो जिया ध्यान केंद्रित करके. The second thing. दूसरी चीज. Living lives with focus. Everyone say focus. अपनी जिंदगी को जीना लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके. That's how it's applied today. Please. इसी तरीके से लागूदार है आज. You know Jesus. देखिए यीशु. He did not go everywhere. और हर जगह वो नहीं गए. He went to only some places. कुछ जगहों पर ही गए वो. Hello. When he went to Bethany. जब वो बैतनिया में गए. He didn't go to everybody's house. वो हर एक के घर में नहीं गए. Yeah, everybody's house he didn't go. He was focused. Everyone say he was focused. सभी लोग कहें उनका ध्यान केंद्रित था. Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए पड़ोसी. You can't say yes to everything. आप हर एक चीज के लिए हाँ नहीं बोल सकते. Oh. Tell your neighbor again. Other neighbor. अपने दूसरे पड़ोसी को फिर से बोलें. You will have to say no to certain things. कुछ चीजों के लिए आपको ना कहना पड़ेगा. Some people will be offended. कुछ लोगों को ठेस लग जाएगी. You know, one lady wrote to me. देखिए एक महिला ने लिखा. What kind of a pastor you are? किस तरीके के पासबान हैं आप? I'm telling you. बताते आपको. You never meet us. कभी आप हमसे मिलते नहीं. I only wanted to meet you for 2 hours and you don't want to meet me. और बस मैं 2 घंटे के लिए आपसे मिलने के लिए आया और आपको मिलने का समय भी नहीं था. Are you a true shepherd or a what? आप क्या सच्चे चरवाहे या क्या है ऐसे? Now if I did not know my real purpose, I would have got angry. अगर भाई को इनका असलियत का मकसद नहीं पता होता तो गुस्से में आ गए होते. You don't have to meet me. आपको मुझसे मिलने की जरूरत नहीं. What I'm teaching you will make you to be sufficient. You will receive your miracle. Hallelujah. भाई आपको सिखा रहे हैं ये पर्याप्त से बढ़कर है आपको आपका आशीर्वाद मिल जाएगा. I have to spend hours in prayer and then pray for you. और भाई को घंटों प्रार्थना बिताना है फिर उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे ना? कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए. You cannot say yes for everything. अपने पड़ोसी को बोलिए आप हर एक के लिए हाँ नहीं बोल सकते. You have to live a life of focus. आपको अपनी जिंदगी जो ध्यान केंद्रित करके जीना पड़ेगा. Touch two people and say life of focus. आपने दो लोगों को छूकर कहे जिंदगी जो ध्यान केंद्रित हुई है. What I'm teaching you, what I'm teaching. जो भाई आपको सिखा रहे हैं. Please listen to me. ध्यान से सुनिए. Everyone, come on, look at a neighbor, and say live a life of focus. बोलिए जिंदगी एक ध्यान केंद्रित के साथ जिए. Jesus was focused. यीशु का ध्यान केंद्रित था. Focused. पूरी तरह से. He knew when to go. और उन्हें पता था कब जाना है. Every morning. हर सुबह. He would pray. वो प्रार्थना करते. Come what may. पीटर का कॉल आया उसको. अरे जीसस बहुत भीड़ हो गया. भीड़ रहने दे मेरे काम है प्रार्थना करने का. कितने लोग सुन रहे हैं? Sometimes. कभी कभी. You are driven by emergencies, not by your purpose. देखिए आप इमरजेंसी के भाव में आप बह जाते हैं लेकिन अपने मकसद में नहीं. मेनी
यंगस्टर्स बहुत सारे नौजवान यू आर नॉट फोकस्ड बिकॉज डिस्ट्रैक्शन कम्स योर वे आपका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं है इसलिए भटकाने वाली चीज रास्ते में आती है द डेविल वॉन्ट्स टू रिमूव योर फोकस और शैतान जो है चाहता है कि आपका लक्ष्य पर से ध्यान हटा ले योर 18 आपके 18 साल प्लीज यंगस्टर्स डोंट गेट नौजवान लोग गुस्सा मत होए डोंट गेट एंग्री ऑन मी गुस्सा मत होए यू व्हेन यू बिकम 18 20 जब आपकी उम्र 18 साल की 20 साल की होती है द फेलो कम्स And your heart is like a butterfly. My heart is beating. Don't laugh. हंसिए मत. Mama, what you know, mama? मम्मी आपको क्या मालूम? Yes. हाँ. And then? फिर? You're cutting your hands. I love you. आप अपने हाथ काटने लगते हैं. मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ. Congratulations. बधाई हो. The devil has managed to take your train. From Mira Road to Bayinder Khadi. शैतान ने किसी तरह से मैनेज कर लिया कि आपके ट्रेन को मीरा रोड से. Don't laugh. Many great prophetess, many great prophets, many leaders, many businessmen, many youngsters. God had called you for something. बहुत सारे अगवे, बहुत सारे जो व्यवसायिक लोग, बहुत सारे भविष्यवक्ता. 21. You're 21. 20. आपकी उम्र 21 साल की है, 20 साल की है. मम्मी कल नहीं मिलेगा तो क्या करो? चल लट्टू, चल आजा. No focus. कोई ध्यान केंद्रित नहीं होना नो फोकस कोई ध्यान पर नहीं होना एडुकेशन इज गॉन पढ़ाई लिखाई चली गई उनकी आई वांट टू टेल यू मैं आपसे कहना चाहता हूं जीसस वॉज फोकस्ड दैट्स वाई ही कुड से एट 33 इट इज फिनिश्ड हालेलुया यीशु मसीह का ध्यान पूरे से लक्ष्य पर हालेलुया इसलिए 33 साल की उम्र में कह सके सब पूरा हुआ प्लीज लिसन सुनिए I was meeting a millionaire last week. पिछले हफ्ते में भाई एक लखपति से मुलाकात कर रहे थे. He called me to pray. उन्होंने बुलाया प्रार्थना करने. He said, "Can you come and pray for my business?" उन्होंने कहा क्या आप आकर मेरे व्यवसाय पर प्रार्थना करेंगे? Now I don't go to people's houses to pray for money. Please, I don't. भाई लोगों घर में पैसे के लिए प्रार्थना करने जाते हैं. He was introducing me to a big man. और किसी बड़े व्यक्ति से मेरा परिचय करा रहे थे. And they don't like to come in the meeting. और वे सभा में आना पसंद नहीं करते. So I was having dinner with him. तो उनके साथ में रात का खाना चल रहा था. And he told me. तब उन्होंने मुझे बताया. That he will sleep every day at the right time. कि वे हर दिन सही समय पर सोते हैं He will get up at the right time. और सही समय पर वे उठते हैं He will do everything like tick tock tick tock tick tock. हर एक काम को समय दर समय करते हैं हेलो मल्टी मिलियनेयर और करोड़पति व्यक्ति सो मेनी कार्स इन हिज गैराज उनके गैराज में कई सारी कारें हैं एंड देन द होली स्पिरिट सेड फिर पवित्र आत्मा ने कहा डू यू नो क्या तुम्हें पता है व्हाई ही हैज इज अ मिलियनेयर कि क्यों ये करोड़पति है आई सेड आई अंडरस्टूड लॉर्ड फिर मैंने कहा प्रभु मुझे समझ में Because he's so focused. क्योंकि इसका ध्यान पूरे से लक्ष्य पर केंद्रित है Touch your neighbor. अपने पड़ोसी को छूकर Do you have focus in life? बोलिए कि क्या आपके जिंदगी में आपके पास कोई लक्ष्य है केंद्रित करने के लिए Do you have focus? क्या आपके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई लक्ष्य है you're not understanding. ओ, आप नहीं समझ रहे The sunlight is there everywhere, but it does not burn the leaves. But you see, you take a small magnifying glass, that big sunlight, and you just put focus on it, and the leaves start burning. और देखिए सूरज की रोशनी हर दिन चमकती रहती है, लेकिन उससे पत्ते जलते नहीं हैं. लेकिन वो छोटा सा जो ग्लास जो होता है, उसे आप लेकर जब आप लगाते हैं, तो उसकी गर्माहट से जलने लग जाएगी. कितने छोटे छोटे थे तभी यूज किया है मुंगियों को जलाने के लिए. मैंने किया है. मुंगी चलती थी, मुंगी जलाती. We did not have these games. हमारे पास ऐसे खेलने के लिए बड़े खेल नहीं हुआ करते थे दो रुपये का वो मिलता था लेके बैठते थे सब चौल के बच्चे लोग बोले क्या कर रहे हैं मूंगी जला रहे Poor people. गरीब लोग We don't have cycle. हमारे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी भाड़े पे लेते थे अटाना अरे तुम लोग बड़े बड़े लोग हैं यार कितने लोगों ने भाड़े पे साइकिल लिया है और लेट भी दिया है This is the life we led. इस तरह की जिंदगी हम जिए. But it taught us lessons. लेकिन इसने हमको सबक सिखाया है. Many youngsters sitting over and many of you, you sleep anytime, you get up anytime, you go do anytime, you sitting with a person. भाई इतना यार तीन ही घंटा हो गए हैं. बहुत सारे नौजवान आप किसी भी समय जागते हैं, किसी भी समय सोते हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ घंटों घंटों बैठ जाते हैं. You don't exercise. आप कसरत नहीं करते. And you're commanding weight. Weight, go. और आप आदेश देते वजन घटे.
Please, you think I am fooling? Tell your neighbor, you need focus. आपको लगता है भाई मजाक कर रहे नहीं, अपने पड़ोसी को बोलिए आपके पास ध्यान केंद्रित करना जरूरी है. If you listen to this word of mine, you will be a blessed man in Jesus' name. अगर भाई के इन वचनों को सुनेंगे आप आशीष व्यक्ति हो जाएंगे यीशु के नाम. Lift your hand and say, I receive it. Hallelujah. अपने हाथ लगाकर मैं ग्रहण करता हूँ. Hallelujah. Lift your hand and say, I receive it. अपने हाथ लगाकर मैं ग्रहण करता हूँ. Be a man of focus. ध्यान केंद्रित करने वाले व्यक्ति बने. Jesus is amazing. At 33, how can you say it is finished? And the Holy Spirit told me, son, at 33 you can say it is finished only if you have a life of purpose and if you are a man of focus. और पवित्र आत्मा ने कहा कि अगर तुम ऐसे व्यक्ति बनो जिसके पास कोई मकसद हो और ऐसे व्यक्ति जिसने अपना ध्यान केंद्रित किया हो तब तुम भी ये पूरा कर सकते हो कह सकते हो. कितने लोग सुन रहे हैं? I want to tell the students. मैं विद्यार्थी लोगों से कहना चाहता हूं. Focus. ध्यान केंद्रित करें. Focus. ध्यान केंद्रित करें. What is your primary call? What is your priority? Focus. आपकी प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले करने वाली चीज क्या है? उस पर ध्यान केंद्रित करें. I want to tell the leaders. मैं लोगों से कहना चाहता हूं. Focus. ध्यान केंद्रित करें. Distraction is the number one enemy of your calling. भटकाने वाली चीज जो है सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी बुलाहट की. Okay, you all are not receiving. Let me just go home. ग्रहण नहीं कर रहे. You all only one professor. I prophecy. This is the word that will make your life prophetic. ये वो वचन है जो आपकी जिंदगी भविष्यवक्ता तौर पे बना देगी. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Hallelujah. बोले हालेलुया. Listen, you may be coming from a very ordinary family. हो सकता है कि आप एक सीधे सीधे परिवार से आए हो. No problem. कोई बात नहीं. I want to encourage you. मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ. Take my message today. आज संदेश को लीजिए. And put it into practice. और इसे काम पे लगाएं. And come after 6 months, do that message. और 6 महीने के बाद आए इस संदेश को करके. If your life does not change. अगर आपकी जिंदगी बदलती नहीं है. I'll stop preaching. मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा. And if your life changes. और अगर आपकी जिंदगी बदल जाती है. Please sponsor my meetings for the next 3 months. अगले 3 महीनों के लिए मेरी सभा का स्पॉन्सर करते रहना. Why not? क्यों नहीं? Why not? क्यों नहीं? Yes, challenge. I'm open. जी हाँ, आपको चुनौती देता हूँ मैं. Focus. पूरा ध्यान केंद्रित. Touch 3 people and say focus. तीन लोगों को छूकर कहे ध्यान केंद्रित करें. You're a businessman. अगर आप कोई व्यवसायिक हैं, focus. ध्यान केंद्रित करो. कोई कोई लोग WhatsApp लेके 4 बजे तक बैठता है. Is that a prophecy? क्या ये कोई भविष्यवाणी है? Of course it is a prophecy. यकीनन भविष्यवाणी है ये. आज prophecy ऐसे ही देगा, बोलेगा बाप रे मेरे को सबके सामने बोल रहा है. मैं हाथ घुमाया समझ जाओ सब लोग, नहीं तो वापस आऊंगा मैं उधर. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन दिस एरिया? रेज योर हैंड अप. आप में से कितने लोगों को समस्या होती इन क्षेत्रों में? अपने हाथ उठाएंगे. जस्ट लेट्स मेक एन ओपन कन्फेशन. हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ प्रॉब्लम वेयर यू हैव नो टाइम ऑफ स्लीपिंग, नो टाइम ऑफ गेटिंग अप, यू ईट एट एनी टाइम, यू डू एनीथिंग यू वांट, यू डोंट हैव फोकस? प्लीज 1, 2, 3 स्टैंड अप फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. डू इट नाउ. कितने ऐसे लोग हैं, कितने लोगों को ऐसी तकलीफ है कि आप किसी भी समय सोते हैं, किसी भी समय उठते हैं, आपके खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता, कुछ भी किधर भी खाते हैं, करते हैं, खड़े हो जाए, किधर भी जाते हैं, कभी घर पे आया तो बैठना 5 घंटे भी बैठते हैं, पबजी माँ जी पापा जी सब खेलते हैं. लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस. देखे यहां सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. Everyone say from today onwards. आज के दिन से. सब जन बोलो आज के बाद. My life will be a life of purpose. मेरी जिंदगी एक मकसद से भरी हुई जिंदगी. Say from today onwards. बोलिए आज से. My life will be a life of focus. मेरी जिंदगी जो है मकसद से भरी हुई जिंदगी होगी. My life will be for the glory of God. मेरी जिंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए होगी. Lift your hand and say, My life will be a blessing. अपने हाथ लगाकर कहें मेरी जिंदगी आशीष बनेगी. In Jesus name. यीशु के नाम में. Hallelujah. बोले हालेलुया. Now give Jesus a big shout of praise. अब यीशु को ज़ोरदार तालियां भेज चढ़ाएंगे इस वक्त. Just wait. ठहरिए जरा. Just wait. ठहरिए जरा. Just wait. ठहरिए जरा. 1 मिनट के लिए खड़े रह जाओ. Brother Mike, by Michael, you said your life should be a blessing. आपने कहा कि आपकी जिंदगी जो है आशीष बननी चाहिए. I don't share this. बांटते नहीं है भाई इन बातों को. But I'll tell you. लेकिन बताएंगे आपको. One day I went to meet a man. और एक दिन भाई किसी व्यक्ति से मिलने गए. No, I don't do it. Please don't send me request. I repeat, don't send me request. Only if God says I do it. मेहरबानी करके आप भाई को अपना request नहीं भेजना है. जब परमेश्वर कहते हैं भाई से तभी ये करते हैं. I went to meet a man. भाई गए उस व्यक्ति से मिलने. He was on a wheelchair. वो व्हीलचेयर पे थे. I saw the man
sitting on the wheelchair like that, two little children crying, papa. भाई ने देखा उस व्यक्ति को व्हीलचेयर पे ऐसे पड़ा हुआ है और दो छोटे छोटे बच्चे रोते हुए पुकार रहे हैं पापा करके. भाई ने उनके लिए प्रार्थना की है. And the Holy Spirit said, और फिर आपको पता है पवित्र आत्मा ने कहा, write a check of 1 lakh for this fellow. इस व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए का चेक लिख के दो. जेनी, अगर मेरा लाइफ पर्पस का नहीं रहता, अगर मेरा लाइफ फोकस का नहीं रहता, मेरे को उसको 1 लाख रुपए देने के लिए ना सोचना पड़ता. I prophesy. भविष्यवाणी करते भाई. When your life will be with a life of purpose and meaning, you will write a check of 1 lakh just like that only. जब आपकी जिंदगी मकसद और अर्थ भरी होती है तो आप 1 लाख रुपए का चेक तो बस यूं ही लिखेंगे. In Jesus name. यीशु के नाम में. In Jesus name. यीशु के नाम में. Somebody say hallelujah. कोई कहे hallelujah. You will become a blessing. आप आशीष बनेंगे. You will become a blessing. आप आशीष बनेंगे. Lift your hand and say, I will become a blessing. अपने हाथ लगा कहे मैं आशीष बनूंगा. Say it loudly, I will become a blessing. बोले मैं आशीष बनूंगा. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. Can I say one scripture? Please be seated and I close. मेहरबान करके बैठ जाएंगे इस वक्त. One scripture, just एक वचन बांटेंगे आपके साथ. Philippians 1:6, please. निकालिए फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय 6वां वचन. Say it again. फिर से कहें. It is finished. पूरा हुआ. The first point I spoke, what tetelestai? पहला मुद्दा हमने बताया कि tetelestai क्या है. The meanings of it. उसके मतलब बताया आपको. The second thing. दूसरा. It was a cry of victory. ये एक विजय की पुकार थी. Third. तीसरा. How those words can apply to my life? कैसे वे शब्द वचन जो है मेरी जिंदगी में लागूदार हो सकते हैं. And the fourth thing. और चौथी चीज. What is the effect of that? It is finished. Today for us. और ये पूरा हुआ उसका असर क्या पड़ता है आज मेरे लिए. Can I tell you something, church? क्या मैं आपको बता सकता हूँ आज कलीसिया? Look at this verse. देखिए इन वचनों को. Come on, repeat after me. चलिए सब. Please, Mira Lord, help me. Okay, ready? One, two, go. चलिए. Being confident of this very thing. Stop. मुझे इस बात का पूरा भरोसा है. पूरा भरोसा. सिर्फ भरोसा नहीं, पूरा भरोसा. किस चीज का भरोसा है? That he who has begun a good work in me will complete it, will not leave it unfinished, will what? वो आधा अधूरा नहीं छोड़ेगा. Will complete it. वो उसे पूरा भी करेगा. Again. फिर से. That he who has begun a good work in me will complete it. जिसने मुझ में अच्छा काम शुरू किया है वो उसे पूरा भी करेगा. Hallelujah. बोले हालेलुया. That Jesus, वो यीशु, on the cross, क्रूस पर, he completed the work of the Father. उसने पिता के काम को पूरा किया. Today, आज, if you receive him into your life, अगर आप उसे अपने जिंदगी में ग्रहण करते हैं, he will come in your life. वो आपकी जिंदगी में आएगा. He will start a work today. आज वो एक नया काम शुरू करेगा. And he will complete the work in Jesus. और उस काम को पूरा भी करेगा यीशु के नाम में. Somebody lift your hand and shout hallelujah. अपने हाथ चिल्लाएं hallelujah. Listen to me. सुनिए मेरी. Some of you are saying nothing is happening in my life. आप ऐसे कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा. So many difficulties, so many confusion, so many misunderstanding in my family. और कई सारी गड़बड़ियां हैं, कई सारी गलतफहमियां हैं, कई सारी मुश्किलात आ गई हैं मेरे परिवार में. But I want to tell you. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ. Just call Jesus into that situation. बस यीशु को उस हालात में बुलाइए. The same Jesus. वही यीशु. Who said on the cross. जिसने क्रूस पर कहा. It is finished, completed. पूरा हुआ सब काम. Mark my words. देख लेना. From today onwards, अब से, he will complete the work in your life. आपकी जिंदगी में वो काम पूरा करेगा. He will complete it without the work in your life. उस काम को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा. Hallelujah. Hallelujah. Open your mouth and shout hallelujah. अपना मुख चिल्लाएंगे hallelujah. 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 Brother Michael, you don't know what I'm going through. भाई माइकल आपको नहीं पता मैं किस दौर से जा रहा हूँ. Really? सच में. You have your battles, I have my battles. आपके पास आपकी लड़ाई है, मेरे पास मेरी लड़ाई है. Every one of us has his own battles. हम में से हर एक की एक कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हैं. But the good news is. लेकिन अच्छी खबर ये है. When Jesus is with you. कि जब यीशु आपके साथ होता है. He will complete the work. He will complete the work. वो काम को पूरा करेगा. Every incomplete work in your life be completed in Jesus' name. हर एक आधा अधूरा काम आपकी जिंदगी में पूरा हो जाए यीशु के नाम. Lift your hands and say this word after me. He, every incomplete work in my life be completed in Jesus' name. और मेरे पीछे का मेरी जिंदगी में का हर एक आधा अधूरा काम जो है वो पूरा हो जाए. Lift your hands and say every incomplete work in my life be completed.
completed in Jesus name. अपने हाथ लगाकर कहें मेरी जिंदगी का हर एक आधा अधूरा काम पूरा हो जाए यीशु के नाम में. Your studies are incomplete. आपकी पढ़ाई अधूरी पड़ गई है. The Lord will complete it in Jesus name. उसे पूरा करेगा यीशु के नाम में. Hallelujah. बोले हालेलुया. Your 80 KT whatever KT you know God will complete it in Jesus name. वो उसे पूरा करेगा यीशु के नाम में. Hallelujah. बोले हालेलुया. How many are receiving right now? कितना ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त? Amen. Amen. Thank you father. धन्यवाद पिता. Said everyone, it is finished. सभी लोग कहें पूरा हुआ. It is finished. पूरा हुआ. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Raise your hand to God. Karima sala baba. Re banda la banda le karima hada la ba. Kasa homo hada la banda la kasaria. Re thana manda la basa la banda la ba karaba. Masere banda le ke. Listen, sister. सुनिए बहन. You. Your property is supposed to be developed. आपके संपत्ति develop होने वाली थी. Yes, it's true. It's not a litigation. It's supposed to be developed. Yes. It's like some piece or something. It has to be worked. Yes. Okay. I see a seven story over there in Jesus' name. Hallelujah. It's coming quickly right now. वो जल्दी से आ रहा है. Lady. I see you. I see you crossing a sea. I see you crossing a sea. I see you crossing a sea. You will cross a sea soon. Yes, amen. Thank you. You will go soon in Jesus' name. बहुत जल्द आप बाहर जाने वाली हो. Somebody, open your mouth. Who's this man? अपना मुंह खोले. I know. What do you want me to pray for this man? He's got cancer since the past 2 years. All right. This is his report. This is his latest discharge card. All right. Was this man ever involved in estate? No, he's a politician. Exactly. I'll tell you why this thing came. I know that. He was in a high position somewhere. कहीं पर ऊंचे पद पर थे. Sorry. He still is. Is I see him seated on a chair. Wait, I will tell you. As if there is a lot of people that know this guy. जैसे बहुत सारे लोग इनको जानते हैं. Jesus. I'm not even looked at his face. But this man also was involved in real estate. Don't worry, you're a daughter. Don't worry. This is where the problem started. You will go and anoint him with oil 7 days. This man will live for Jesus. I'm not asking you to believe in Jesus also. I'm not asking you to. You will do what I say. You will live for the Lord. There's a curse breaking on your father today in Jesus' name. Somebody like who was in the municipal thing? No, I don't know. Your father was involved in any municipal thing. There is a curse against this man. Today, will you believe with God with me right now? I see a name called Dilip. Hallelujah. Dilip. Thank you, Lord. I don't know who's this Dilip. But as I'm holding, I don't even know how he looks like. And you were hiding the photograph like this. I was not hiding it, holding it. Don't worry, because you love him so much. Father, in Jesus' name, I break the curse over this dad of hers. In the name of Jesus. पिता यीशु मसीह के नाम में इनके पिताजी पर सब शाप तोड़ देते हैं. Out. बाहर. In Jesus name. You will do what I say. That's a prophetic instruction. आप करोगे जो भाई ने कहा. God is setting your family free today, ma'am. There is a curse against your family. It started with a piece of property. It started with a piece of a property. It's a real estate. My dear sister. मेरी प्यारी बहन. This is. Yeah, I know why. I could just launch into healing. You know why, Professor, my dearest sister? Today I want you to sing. Because one day, am I prophesying? Yes. One day, you will enter a women's movement. Today, you're not even thinking of it. I see you surrounded by many women. You are helping women. And you are the voice of women. You are the voice of girls.
God is releasing this grace and power over your life. Don't call yourself ordinary. I am seeing this. You, I know you don't wear a sari. Do you wear a sari? Never. I wore it once. Once. You never wear a sari, madam. I know. I know. For an Indian to say you don't wear a sari, you are a fool. You never wear a sari. अगर अमेरिकन को जाके बोला तू कभी साड़ी नहीं पहनता है तो 100% राइट. अगर एक इंडियन औरत को जाके बोला और वो भी मीरा रोड वाली को, डोंट वरी, यू नेवर वेयर अ सारी, बट आई सी यू वेयरिंग अ सारी. यू विल स्पीक टू विमेन, यू विल हेल्प देम, आप उनकी मदद करोगे. यू विल बी द वॉइस ऑफ द हेल्पलेस वुमेन, लाचार महिलाओं की आप आवाज बनोगे. आई वांट टू. यू वांट टू. That dream inside you of you has been put by God. आपके अंदर ये सपना जो है परमेश्वर ने डाला है. How old are you? 24. Only.